हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम ग्रैनुअल्स इंडिया शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है इसका जो अंकर्ड भ्याप है ना उसी जोन में आ गया है। एंड जो अंकर्ड भ्याप का जोन होता है एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन होता है, एंड यहाँ से लो रिस्क के साथ हम लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। तो आप कैसे लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं एंड ये सेटअप क्या है डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अंकर्ड भ्याप के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल में एक वीडियो अपलोड है, इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि अंकर्ड भ्याप क्या है एंड आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम चलते हैं आज का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो रेड अंकर्ड भ्याप जा रहा है ना, ये जा रहा है जो यहाँ पे लो बनाया था ना उसका क्लोजिंग बेसिस पर। एंड यहाँ पे जो ब्लू अंकर्ड भ्याप जा रहा है, ये जा रहा है जो यहाँ पे बॉटम में लो बनाया था वो लो बेसिस पर। एंड आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। तो देखिए यहां पे सोर्स जो है लो क्लोज कर देंगे तो दो अंकड़ भी अब आ जाएगा, क्योंकि प्राइस कभी कभी क्लोज बेसिस पर सपोर्ट ले लेता है और कभी कभी लो बेसिस पर सपोर्ट ले लेता है। एंड कैसे अंकर्ड भी आप यूज करना है, सिंपली आपको देखिए ट्रेडिंग व्यू में लेफ्ट साइड में जाना है, यहाँ पे एक आरो ऑप्शन आ जाएगा, बॉटम में देखिए यहाँ पे आपको अंकर्ड भी आप मिल जाएगा। तो देखिए अभी क्या हुआ है एग्जैक्टली, देखिए जो अंकर्ड भी आपके आसपास काल यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना था एंड इस चार्ट को मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था एंड वहाँ पे हम एनालिसिस किए थे कि अगर प्राइस जो काल का यहाँ पे जो हाई था ना इस हाई को क्रॉस कर देने के बाद प्राइस हमारा एंट्री बनेगा एंड उसी कैंडल का लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। लेकिन प्राइस आज जो है ना जो प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके साथ काल का जो लो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के साथ देखिए आज भी नीचे से रिजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सेटअप क्या बनेगा, अभी हमको क्या करना है ना, आज का हाई बना है 326। 326 के ऊपर जब भी स्टॉक का प्राइस जाएगा यहाँ पे एंट्री बनेगा एंड स्टॉप लॉस बनेगा आज का लो के नीचे जो बना है 320 का, मतलब यहाँ पे 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है एंड जो टारगेट बनेगा पहला स्विंग लो 340 का, उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं स्विंग लो के नीचे। एंड जो अंकर्ड भ्याप के आसपास अगर कभी भी स्टॉक का प्राइस में कोई भी रिजेक्शन आता है वो सबसे लो रिस्क हाई रिवार्ड जोन रहता है, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं। लेकिन आज का हाई को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, मानिए प्राइस यहां पे आज का हाई को ब्रेक नहीं किया, उसका लो को ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, आपको फिर से वेट करना है और एक रिजेक्शन कैंडल का। एंड और एक रिजेक्शन कैंडल जब बनेगा उसका हाई को प्राइस ब्रेक करेगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस देकर लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन कैंडल का हाई को ब्रेक करना, अगर आज का हाई को प्राइस ब्रेक नहीं करता है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। अगर हाई को ब्रेक करता है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस देना है, माने आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसी केस में आपको एग्जिट कर जाना है एंड फिर से आपको वेट करना है और एक रिजेक्शन कैंडल का नीचे की तरफ। अगर और एक रिजेक्शन कैंडल बनेगा उसके बाद आपको रीएंटर करना है, क्योंकि इस जोन में प्राइस को एक बार के लिए रिवर्सल होना है, एक बार प्राइस बाउंस करेगा उसके बाद जाकर अगर प्राइस को करेक्शन करना होगा तो वहां पे कुछ बियरिश स्ट्रक्चर बन सकता है। एंड आपको ध्यान रखना है हमेशा से रिजेक्शन कैंडल के ऊपर, रिजेक्शन कैंडल का हाई ब्रेक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो डिटेल्स एनालिसिस है ऑलरेडी हम इस वीडियो में एनालिसिस किए हैं, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा एंड इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप कि आप डिटेल्स में समझ पाए होंगे, अगर कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।